स्वागत है भाई लोगों कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या। तो देखिएगा भाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कैसे कहते हैं इसे इंग्लिश में? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। हमारे पास जैसे कोई ये परमाणु है, यहां से जैसे सोडियम ले लिया हमने, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। बाहरी कक्षा में जो बाह्यतम कोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। अब बात आती है परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं। देखिएगा ये नाभिक हो गया यहां पर, तो ये नाभिक हो गया, ये कोष है, ये कोष है नाभिक। देखो परमाणु त्रिज्या की अगर बात की जाएगी तो नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। तो क्या कहोगे? परमाणु त्रिज्या वह कहलाती है जिसमें क्या कहोगे? केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी किसके बराबर होती है? परमाणु त्रिज्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु त्रिज्या के बराबर। ये तो परमाणु त्रिज्या की क्या परिभाषा हो जाएगी कि नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या को मैंने प्रदर्शित कर दिया आर से। किससे प्रदर्शित कर दिया? आर से प्रदर्शित कर दिया। अगर मान लो यहां तक की बात आ जाए तो ये परमाणु त्रिज्या होगी। मान लो यहां तक ये है तो ये हमारे पास यहां से यहां तक भी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। अब बात आती है कि परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में परिवर्तन कैसे होगा। आवर्त सारणी में परिवर्तन, जैसे हम ऐसे चल सकते हैं आवर्त सारणी में और ऐसे चल सकते हैं। ऐसे जब चलते हैं तो इसे कहते हैं बाएं से दाएं जाना, y से दाएं। कैसे चलते हैं? y से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का क्या परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। एक तो हम y से दाएं चलते हैं आवर्त सारणी है, और एक ऊपर से नीचे चलते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में अगर y से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक नंबर हर हाल में बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या ये घट जाती है। क्या कहोगे? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर हम वर्ग में चल रहे हैं ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो कहोगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसमें भी बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या जो घट रही है वो क्यों घट रही है? सही है। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर हम बात करें किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, घट जाएगी त्रिज्या। और ऊपर से नीचे चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या भी बढ़ जाती है, परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? घट जाता है। ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको परमाणु त्रिज्या समझ में आ गई। क्या होती है? पहली बात
नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। बाएं से दाएं चलेंगे परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, प्रभावी नाभिक की आपस बढ़ जाता है इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बात क्लियर हो गई? अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अभी तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से कर लीजिए परमाणु त्रिज्या क्या है। ठीक, धन्यवाद।